आज के टाइम पे जितने भी बड़े मार्केटर्स हैं या परफॉर्मेंस मार्केटर्स हैं, वो एक चीज़ के बारे में ज़रूर बात करते हैं, वो है एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स और प्रॉक्सीज। आज हम लोग समझेंगे कि एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र क्या होता है, किस लिए इसका यूज़ होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, कौन कौन यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करना है, कौन से फ्री में अच्छे ऑप्शन है, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अबाउट एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स इन इजी लैंग्वेज। सो हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैंने वीपीएन के रिलेटेड काफ़ी सारी बातचीत करी है, प्राइवेसी सिक्योरिटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स के बारे में। तो बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी पड़ेगी बिफोर जंपिंग ऑन टू एंटी डिटेक्ट ब्राउजर, वो है ब्राउजर फिंगरप्रिंट। ब्राउजर फिंगरप्रिंट क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, वो आपका आईपी एड्रेस तो यहाँ पे स्टोर करता ही है, कुकीज़ भी स्टोर करता है, उसके साथ में एक वो आपका फिंगरप्रिंट बना लेता है कि कौन से डिवाइस से विजिट कर रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या उसकी रैम है, क्या उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है, कितना सीपीयू है। तो बेसिकली वो आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी ले लेता है, अपने पास स्टोर करके रख लेता है, ताकि एक वो आपका डिजिटल आइडेंटिटी यहाँ पे बना पाए। ये हेल्प करता है फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने में और एड्स को प्रॉपरली सर्व करने के लिए। तो अगर आपको फिंगरप्रिंट से बचना है, इसमें ना आपकी हेल्प वीपीएन कर पाएगा, ना सिर्फ यहाँ पर प्रॉक्सी कर पाएगा। यहाँ पर जो आते हैं वो आते हैं एंटीटेक ब्राउज़र। अब एंटीटेक ब्राउज़र यहाँ पर क्या काम करता है, वो आपकी एक फिंगरप्रिंट यहाँ पर क्रिएट कर देता है जो कि स्पूफ रहती है, डिफरेंट रहती है, जो आपकी एक्चुअल पीसी की है। इसको ऐसे समझ लो कि आपके पास एक नया लैपटॉप आ गया या नया सिस्टम आ जाता है। सो ये एक एंटी डिटेक ब्राउज़र है जिसका नाम है डॉल्फिन एंटी। ये फ्री में आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ क्रिएट प्रोफाइल पे। हियर आई विल गेट अ न्यू फिंगरप्रिंट जो कि डिफरेंट रहेगा मेरे एक्चुअल लैपटॉप से। यहाँ पर इसका सीपीयू, मेमोरी, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर मेजरली डिफरेंस रहेगी। तो यहाँ पर अभी हम लोग एक क्विकली बना लेते हैं प्रोफाइल। मैं यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। डेमो 3 स्टेटस विल बी न्यू। और इसमें जो बाकी सारी चीज़ें हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि ये मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। प्रॉक्सी भी मैं उसमें से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि प्रॉक्सी भी यूज़ करना इंपॉर्टेंट रहता है अगर आपको मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, तो कौन सी प्रॉक्सी लेनी चाहिए, कौन सी अच्छी, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। अभी मुझे आपको इसका एक बेसिक ग्लिम्स देना है। तो ये एक फिंगरप्रिंट है, ये नीचे डिफॉल्ट सेटिंग्स ही हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। और आई विल क्लिक क्रिएट प्रॉक्सी, नो प्रॉक्सी, ओके, आई विल क्लिक क्रिएट। यहाँ पर मेरे डेमो 3 हो गया है। आई क्लिक स्टार्ट। तो जो अब यहाँ पर ओपन होगा, एक वेब ब्राउज़र ओपन होगा, और ये जो वेब ब्राउज़र है इसमें जो मेरा फिंगरप्रिंट है वो टोटली डिफरेंट रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे ब्राउज़र scan.net पे जाता हूँ, जैसे वेंडर हो गया, नीचे आएंगे स्क्रीन रेजोल्यूशंस एंड कलर डेथ, डिवाइस मेमोरी, हार्डवेयर कंकरेंसी, ये सब यहाँ पर मैंने जो सेट किया था वही है। एक और वेबसाइट है जिसको आपको चेक करना चाहिए, वो है पिक्सल स्कैन। पिक्सल स्कैन पे भी यू कैन सी जो ये यूज़र एजेंट है, ये सारी चीज़ें जो हार्डवेयर फिंगरप्रिंट्स है, दीज आर डिफरेंट। सो लाइट चली गई है, लेकिन किसी भी तरीके से अभी जुगाड़ करके, पावर बैंक्स लगा करके, रिंग लाइट ऑन करके, मैं यहाँ पे क्विकली वीडियो आपको कंक्लूड कर देता हूँ। पहला फ़ायदा या जो इसका यूज़ रहता है वो रहता है मल्टीपल अकाउंट्स बनाने के लिए। अगर आपको फेसबुक अकाउंट बनाने हैं, गूगल अकाउंट्स बनाने हैं, अमेजोन पे अकाउंट्स बनाने हैं मर्चेंट के, इन दैट केस क्या होता है, अगर आपका एक अकाउंट बैन होता है तो दूसरे अकाउंट्स भी बैन हो जाते हैं। तो इफ़ यू वॉन्ट टू हैव मल्टीपल अकाउंट्स या फिर बैकअप अकाउंट्स, उस केस में एंटीटेक ब्राउज़र विथ प्रॉक्सी का यूज़ किया जाता है। सेकेंड रहता है स्क्रैपिंग। इफ़ यू वॉन्ट टू स्क्रैप समथिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू कलेक्ट डेटा, एंड उसके लिए भी यहाँ पर एंटी अटैक ब्राउजर और रोटेटिंग प्रॉक्सी का यूज़ होता है, रेसिडेंशियल प्रॉक्सी मेनली। तीसरा रहता है टू बी अनोनिमस, इफ़ फॉर सम रीज़न यू डोंट वॉन्ट योर फिंगरप्रिंट टू बी रिवील्ड, तब आप लोग इसका यूज़ करते हो। और डिपेंडिंग कि आपको किस लेवल की प्राइवेसी चाहिए, तो आप लोग VPN के साथ में इसका कंबाइन कर सकते हो। VPN, प्रॉक्सी, VPN में काफ़ी डिफरेंस है, प्रॉक्सी में भी काफ़ी डिफरेंस है, दोनों में अलग है। VPN में आपको इनक्रिप्शन भी मिलता है, प्रॉक्सी में सिर्फ यहाँ पे लोकेशन चेंज होती है। दोनों का यूज़ केस भी अलग है। मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाया था VPN वर्सेस प्रॉक्सी का, वो एक बार जाके देख लेना, तो आपके VPN और प्रॉक्सी से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब अगर कुछ बेस्ट एंटी अटैक ब्राउजर्स के बारे में आपको क्विकली बताऊं, तो पहला रहेगा यहाँ पे डॉल्फिन एंटी। इनका फ्री प्लान भी है, फ्री में आपको यहाँ पे 10 प्रोफाइल्स पर मंथ मिल जाती है। तो अगर आपने कभी स्टार्ट नहीं किया तो यू कैन स्टार्ट विद दिस। एंड इस पे अगर जब भी आप लोग अपग्रेड करोगे तो यू विल गेट अ डिस्काउंट एज वेल इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड कृपेश। जब आप लोग साइन अप करोगे, मेरे नीचे दिए गए लिंक से आपको साइन अप करना पड़ेगा। आप मेरे नीचे दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करना, साइन अप करोगे तो यू कैन एंटर माई कूपन कोड। तो जब भी आप लोग अपग्रेड करोगे आपको 20% एडिशनल ऑफ मिल जाएगा, ये तो मिलेगा ही, प्लस एडिशनल 20% फ्रॉम माई साइड।
नेक्स्ट, अगर आपको बजट में चाहिए तो गो लॉगिन देख सकते हो, इनका फ्री प्लान नहीं है लेकिन पेड प्लान इनके इज इन बजट। यहाँ पर आपको $24 पर मंथ पे 100 प्रोफाइल्स मिल जाती है। इसका भी कूपन कोड है और लिंक भी है, दोनों में नीचे डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा। और नंबर 3 वे है मल्टी लॉगिन, ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइट पे लेकिन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। यहाँ पर आपको एडिशनल और भी ऑफ मिल जाएगा, आपको मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाकर साइन अप करना है। उसके बाद यू नीड टू कॉन्टैक्ट देयर कस्टमर केयर सपोर्ट विथ माई कूपन कोड, क्योंकि अभी उनका ये सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली आप ही के लिए है, एक्सक्लूसिवली दिस इज़ फॉर माई ऑडियंस। तो आपको जाना है इस पे, साइन अप करना है, उसके बाद इनको मेल कर देना है विथ द कूपन कोड कि हमने कृपेश के लिंक से लिया है, आपको इस वीडियो का आप लोग लिंक दे सकते हो उनको। उसके बाद वो आपको एडिशनल 20% का और ऑफ कर देंगे। सो आई होप यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल गई होगी AntiDetect ब्राउज़र के ऊपर। इसके रिलेटेड और मैं अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, बेस्ट कौन सा अच्छा है, कैसे इसको यूज़ करना है, प्रॉक्सीज कौन सी अच्छी है, कैसे पूरा इसको कनेक्ट करना है, वो सब मैं आगे वाले वीडियोस में बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा थम्स अप ज़रूर दीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।